Assalamu alaikum everyone, hope you all are fine. Aamna is here with another video. So, आज की वीडियो किस बारे में है वो आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा, कैस्टर ऑयल के बारे में. ठीक है, आज हम बनाएंगे एक ऐसा तेल जिससे आपके बालों को होने वाले हैं मल्टी फंक्शंस. ठीक है, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं उससे. तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं. मुझे सांस इतना ज़्यादा चढ़ा हुआ है, इतना ज़्यादा चढ़ा हुआ है, ऊपर नीचे खिचक कर लगा लगा के, ऊपर से रिंग लाइट सेट नहीं हो रही थी, पीछे से रोशनी आ रही है, सेटअप ही नहीं हो रहा था कोई. सो अभी बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत सेटअप हुआ है. तो अब जो है वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. गर्मी भी आ गई है ना अब. अच्छा जी, तो आज हमने बनाना है एक ऑयल जिससे जो है वो बालों को बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं, लेकिन आपने लगाना इसको रेगुलरली है. वीक में 2 times तो मस्ट ऑयलिंग करनी ही करनी है, जिससे आपकी स्काल्प को बेनिफिट्स होते हैं, आपके हेयर रूट्स को बेनिफिट्स होते हैं, हेयर ग्रोथ, हेयर केयर, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसमें आ जाती हैं. अगर आप लगाएंगे ही नहीं तो फिर बेनिफिट्स नहीं होंगे, एज जैसा कि आप जानते हैं फिर बेनिफिट्स नहीं होते. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जैसे कि टाइटल पर है कैस्टर ऑयल की. ठीक है, तो कैस्टर ऑयल मेरे पास जो है वो ये वाला है और ये भी पड़ा हुआ है. ठीक है, ये बॉटल पहले से पड़ी हुई थी मैं, लेकिन ये वैसे दोनों ही घर पड़ी थी. ये हाफ बॉटल है आई थिंक और ये फुल बॉटल है, और इससे भी छोटी मेरे ख्याल से होती है वो आई थिंक 100 की मिलती है. उसमें आई थिंक होता है 20 ml, और इससे जो ये वाली जो है ये 25 है, या उसमें आई थिंक 10 होता है मेरे ख्याल से, 10 बिल्कुल ही 2 spoons होते हैं उसमें. तो आप ये वाली ले लें तो ठीक है, अदरवाइज़ आप ये भी ले सकते हैं, 100+ ही आती हैं ये. ठीक है, तो जी ये है कैस्टर ऑयल. कैस्टर ऑयल के पहले मैं आप लोगों को बेनिफिट्स बता देती हूँ, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट ऑयल की तरफ, फिर उसके बेनिफिट्स बताऊँगी, फिर थर्ड ऑयल की तरफ, फिर उसके बेनिफिट्स बताऊँगी, फिर आपको पता चलेगा कि हमें क्यों यूज़ करने है, फिर उसके उसको मिक्स कैसे करना है, उसकी क्वान्टिटी बताऊँगी, फिर आपका ऑयल जो है वो तैयार हो जाएगा. तो चलते हैं कैस्टर ऑयल के बेनिफिट्स की तरफ. ठीक है, कैस्टर ऑयल से जो है हमारा हेयर लॉस कंट्रोल होता है, बाल जो है वो मोटे होते, हेयर साइकिल ग्रोथ होती है, उसके बाद हेयर से रिलेटेड हर मसले को ख़त्म करता है, हेयर कंसर्न, उसके बाद आपकी हेयर अपीयरेंस अच्छी करता है, हेयर ग्रोथ करता है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आप लोग देख सकते हैं. तो कैस्टर ऑयल के बेनिफिट्स आपको पता चल गए हैं. अब नेक्स्ट ऑयल जो हमने ऐड करना है वो है कोकोनट ऑयल. ये जमा हुआ था, मैंने इसको धूप में रखा हुआ था, 2 मिनट रखा है और ये मेल्ट हो गया. ठीक है, कोकोनट ऑयल के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर्स के लिए, मतलब मल्टी फंक्शंस हैं इसके, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. तो सबसे पहले मैं आपको जो है अब कोकोनट ऑयल के बेनिफिट्स बता देती हूँ, फिर हम चलते हैं अपने थर्ड ऑयल की तरफ जो कि मेन इंग्रेडिएंट है. कैस्टर ऑयल भी है लेकिन वो बहुत मेन इंग्रेडिएंट है. ठीक है, तो लेट्स गो टू कोकोनट ऑयल बेनिफिट्स. प्रमोटिंग हेयर ग्रोथ, डैंड्रफ, हेयर लॉस, नरिशर, स्कैल्प प्रॉब्लम्स, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, जो बाल ग्रे हुए होते हैं उनको भी ट्रीट करते हैं. तो आप लोगों ने कोकोनट ऑयल के बेनिफिट्स भी देख लिए हैं, तो अब जो है हम अपने चलते हैं थर्ड ऑयल की तरफ. गेस व्हाट कौन सा होगा वो है ब्लैक सीड ऑयल. ठीक है, यह वाला है कुलवंजी का तेल. ठीक है, कुलवंजी का तेल है, इसके अंदर एक रैपर भी है जिसके ऊपर हदीस नबवी लिखी हुई है, वो भी मैं आपको सुना देती हूँ, बता देती हूँ. लिखा हुआ है कि ये एक कुदरत का अनमोल तोहफा है, घर के हर फर्द के लिए इसके इस्तेमाल से साबित तनाव, सर दर्द, ब्लड प्रेशर, तेजाबियत, आम जिस्मानी कमजोरी, कब्ज़ से शिफा मिलती है. सर में लगाने से बालों को लंबा, घना, मजबूत, चमकदार, मुलायम और खूबसूरत बनाकर इन्हें गिरने से रोकता है, खुश्की, सुकरी का खात्मा करता है, पीने और सर में लगाने दोनों सूरत हाल में मज़र है, मज़र असरात से कतई पाक है. ठीक है, मौत के सिवा हर बीमारी में फ़ायदा बख्शता है. तो ये कितना बेनिफिशियल है. इसके अलावा इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, यही चीज़ लिखी हुई है, वैसे भी कुलवंजी जो है वो हर बीमारी से शिफा है, तो इसका तेल हमने यूज़ करना है. ठीक है, इसके अलावा भी मैं आपको इसके जो है वो थोड़ा सा बेनिफिट्स बता देती हूँ. हम चलते हैं इसके बेनिफिट्स की तरफ, फिर हम आएंगे अपने ऑयल की क्वांटिटी की तरफ. प्याज ले लो जी. सबसे पहले ग्रे हेयर, हेयर लॉस, फ्रीजी, डैंड्रफ, स्प्लिट, ग्रीसी, लैक ऑफ वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम बढ़ाता है, डल हेयर, ड्राई हेयर, मॉइस्चराइज करता है, इंप्रूव स्कैल्प, रिस्ट्रिक्ट्स हेयर फॉल्स, हेयर डैमेज, हेयर ग्रेइंग, प्रमोट्स हेयर ग्रोथ. लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ कुलवंजी ऑयल.
अब जी यहाँ पर जो वीडियो मैंने थोड़ी सी फास्ट कर दी थी क्योंकि अब हम ऑयल बनाएंगे, बाहर बहुत नॉइज़ आ रही थी, तो मैंने कहा वॉइस ओवर में बाद में करूँगी, ठीक है। तो हमने कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल की जो क्वांटिटी है ना वो सेम नहीं है, मेरे पास कैस्टर ऑयल की ये जो छोटी बोतल है मैंने ये सारी डाल दी थी, ये थोड़ी मुझे कम लग रही थी लेकिन मैंने ये सारी डाल दी थी। उसके बाद जो है सेम क्वांटिटी में हमने इसमें कोकोनट ऑयल ऐड कर देना है, ठीक है। तो कोकोनट ऑयल जो मैंने इसके अंदर ऐड किया था ऑलमोस्ट सेम था, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था क्योंकि कस्टर्ड ऑयल थोड़ा थिक, बहुत ज़्यादा थिक होता है, ये आप लगाएंगे भी तो आपको थोड़ा थिक थिक लगेगा, तो कोकोनट ऑयल थोड़ा सा जो है वो इसमें ज़्यादा था। यहाँ पर मैं पोज बना रही थी थंबनेल के लिए ताकि स्क्रीनशॉट ले लूँगी बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना मुझे इसमें कैस्टर ऑयल थोड़ा सा मैंने और ऐड कर दिया था क्योंकि कोकोनट ऑयल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा था। कोकोनट और कैस्टर जो है वो हमने सेम क्वांटिटी में लेना है। उसके बाद हमने कलौंजी के जो का जो तेल है उसके 2 चम्मच इसमें ऐड कर देने हैं, ठीक है। 2 टेबल स्पून्स जो हैं वो हमने इसमें ऐड कर देने हैं, मतलब अगर 4-4 उनके किए हैं 8 उसके तो 2 कलौंजी के कर देने, ठीक है। वो 4-4 नहीं होंगे मेरे ख्याल से, 3-3 थे वो, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हमने इसमें ऐड कर देना है, बस आपने ये इस क्वांटिटी के हिसाब से जो है ना आपने इसमें 2 डाल देने हैं। आप ज़्यादा कैस्टर और वो दूसरा डालेंगे तो आपने कलौंजी का थोड़ा ज़्यादा डाल देना है, बस उससे हाफ डालना है, दैट्स इट, ठीक है। कोई भी तेल जो हमने ऐड करने हैं 2, मतलब समझ आ गई है ना मेरी बात। इधर जो है मैंने कहा मैं किसी भी बॉटल में ऐड कर लूँगी, मैंने वाटिका की रखी हुई थी खाली करके उसको धो के वो ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पर जो हमारा तेल जो है बिल्कुल रेडी हो गया, आपने इसको वीक में 2 दफ़ा लाजमी लगाना है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।